गर्मियों के गार्डन की तैयारी में आज एक नया हैंगिंग प्लांट मैं तैयार करूंगी जो बहुत ही सुंदर लगता है और काफ़ी महंगा आता है। आज मैं बास्केट बनाऊंगी सुंदर से प्लांट की जिसका नाम है फिलीडेंड्रोन हेड्रिकम। ये प्लांट लेमन लाइम के नाम से भी जाना जाता है। ये प्लांट मेरा मॉस स्टिक पर लगा हुआ है। बहुत ही सुंदर इसका कलर और पत्तियों का शेप होता है, तो इसमें जो एक्स्ट्रा ऊपर की तरफ अभी ब्रांचेस निकली हुई हैं इनको कट करके मैं हैंगिंग बास्केट बनाऊंगी। इसके पास ही जो मेरा प्लांट रखा है वो फिलीडेंड्रोन हार्ट लीफ प्लांट है जिसकी बिल्कुल डार्क ग्रीन पत्तियाँ हैं, वो भी बहुत सुंदर लगता है। इसको भी मैंने कटिंग से लगाया है, देखिए मॉस स्टिक पर भी इसके बराबर में ही लगा हुआ है और इसकी मैंने बास्केट भी बनाई हुई है जो बहुत ही सुंदर लगती है। तो पत्तियाँ इनकी बहुत सुंदर होती हैं, देखिए कितनी सुंदर, जो पत्तियों का जो आकार है वो बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है और जब ये बास्केट में हम इस प्लांट को लगाते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है। मॉस स्टिक पर भी ये सुंदर लगता है और हैंगिंग बास्केट में भी, जैसे मनी प्लांट बिल्कुल उसी तरह से। तो अभी मैं इसमें से ही कटिंग लेकर बास्केट बनाऊंगी। इस प्लांट को कटिंग से लगाना बहुत ही आसान है, ये प्लांट काफ़ी महंगा आता है लेकिन जब कटिंग से हम कोई भी प्लांट लगाते हैं तो फ्री में हमारे सुंदर सुंदर प्लांट्स तैयार हो जाते हैं। तो दोस्तों अभी गर्मियों में हमारे सभी इंडोर प्लांट्स बहुत ही अच्छे चलेंगे तो इनकी आप कटिंग्स लगा सकते हैं आसानी से, फरवरी मार्च में चल जाती हैं। तो देखिए ये जो ऊपर की तरफ एक्स्ट्रा जो ब्रांचेस निकली हुई हैं मॉस स्टिक से ज़्यादा बड़ी हुई ऊपर को, इनको मैं काटूंगी और इन्हीं को मैं कटिंग से लगाऊंगी। इस सुंदर से प्लांट को हम एक पत्ती से भी ग्रो कर सकते हैं, बिल्कुल मनी प्लांट की तरह, जैसे मनी प्लांट एक पत्ती से ग्रो हो जाती है तो बहुत ही आसान है इसको कटिंग से लगाना। तो ऐसे प्लांट्स जो इतने महंगे आते हैं उनकी कटिंग्स हमें लगा के रखनी चाहिए और खूब सारे इनके प्लांट्स बनाने चाहिए। ये तो इतना सुंदर प्लांट है कि कहीं भी इसको लगाएं तो सुंदर लगेगा। तो अभी कटिंग मैंने ले ली है और ये मेरी बास्केट पहली ही है जिसमें मिट्टी भरी हुई है, इसमें सैंड और मिट्टी बराबर मिले हैं और इसमें कंपोस्ट भी मिक्स है, लेकिन पुरानी बास्केट है तो थोड़ा सा वर्मी कंपोस्ट मैं इसमें ऐड कर लूँगी। सैंड मिलाने से भी बहुत अच्छी हमारी बास्केट बनती है और कटिंग जो हम लगाते हैं वो बहुत अच्छी से चल जाती हैं। तो अभी इसमें थोड़ा सा वर्मी कंपोस्ट मैंने मिक्स कर लिया है और अभी इसको अच्छे से मिक्स करके इसमें मैं कटिंग लगाऊंगी। सैंड मिक्स करने से बहुत ही सॉफ्ट मिट्टी रहती है। अभी हम कटिंग लगाएंगे, आप देख सकते हैं इसकी हर एक नोड एरिया के पीछे रूट्स निकली रहती हैं बिल्कुल जैसे मनी प्लांट में रहती हैं, तो आराम से ये एक पत्ती से भी ग्रो हो जाता है। मैंने जो ग्रीन वाला है वो दोनों तरह से ग्रो किया है तो आराम से हम इसको कटिंग से इस तरह से लगा सकते हैं। इसकी एक एक पत्तियाँ ही मैं लगाऊंगी और ऊपर की ब्रांच तो सिर्फ एक या दो ही है मेरे पास, बाकी सब चारों तरफ मैं इसकी एक एक पत्ती लगाऊंगी। एक पत्ती से ही इसमें साइड से ब्रांच निकलेगी, देखिए ये मेरे पास एक छोटी सी कटिंग है तो ऊपर वाली जो पत्ती निकल रही है उस पत्ती की जो नोड एरिया है वहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि कैसे छोटी छोटी सी जड़ें बन रही हैं। तो इतना आसान है इसको कटिंग से लगाना, इसमें बहुत ही आराम से जड़ें बन जाती हैं। तो इस तरह से मैं इसकी कटिंग लगा रही हूँ और एक बास्केट में मैंने बहुत सारी कटिंग लगाई हैं, जब ये चल जाएंगी तो एक बहुत ही घनी और सुंदर बास्केट हमारी तैयार होगी जो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगेगी जब ये सारी ब्रांचेस नीचे की तरफ लटकेंगी इतनी सुंदर पत्तियाँ। तो अभी एक बास्केट और हमारी तैयार हो गई है और अभी तक हमने काफ़ी कटिंग लगा ली हैं। गर्मियों में ये सभी बहुत ही सुंदर तरीके से चलेंगी और ये बहुत ही सुंदर इंडोर प्लांट है, जहाँ पर भी अच्छी सी लाइट रहती है वहाँ पर इसको आप टांग सकते हैं, बिना धूप में चलने वाला प्लांट है। इसमें पानी बहुत ही कम देना है, अब कटिंग में हमें तभी पानी देना है जब ये सूखेगा हल्का सा, बस थोड़ा सा छिड़काव कर देंगे और इसको शेड में रखेंगे, धूप में बिल्कुल नहीं रखेंगे। देखिए ये मेरा दूसरा प्लांट है ग्रीन वाला, ग्रीन फिलीडेंड्रोन हार्ट लीफ प्लांट, बहुत ही अच्छे से इसकी कटिंग लगाई थी, देखिए कितनी सुंदर बास्केट तैयार हुई है, तो ऐसे ही अब वो हो जाएगी। तो इस तरह से हमें कटिंग से लगाते रहना चाहिए और अभी तो ये टाइम है अच्छा गर्मियों के लिए तैयारी करने का। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू वेरी मच।